हमने कर लिए थे। हाँ यस आज अगला चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर टू, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है पोटेंशियल का एंड द सेकंड वन इज कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस वाला लास्ट में है, शुरुआत है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से। तो अभी तक आप इस टर्म से तो परिचित हो चुके, इलेक्ट्रो का मतलब होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक का मतलब हुआ होगा रुका हुआ होना। तो व्हेन अ चार्ज इज प्लेस समवेयर इन स्टेशनरी स्टेट देन दैट विल बी कॉल्ड, यू नो, द इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर वो फोर्स लगाता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब अगर मान लीजिए आप एक चार्ज लेते हैं, सपोज क्यू, आप इसे सोर्स चार्ज भी कहा करते थे, और आप एक दूसरे चार्ज को सपोज कि आप इंफिनिटी पे रखते, मान लीजिए आपने इसे क्यू वन बोला और इसे आपने क्यू टू बोला, क्यू टू को आपने इंफिनिटी पे रखा, तो व्हाट विल बी द फोर्स फेल्ट बाई क्यू टू चार्ज, क्या होना चाहिए बताइए। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, बहुत ज्यादा लोग नहीं है कि परेशानी होगी मुझे, ठीक है। हाँ बोलिए आदित्य। एक बार क्यू वन और एक बार रिपीट कीजिएगा। मैं ये पूछना चाह रहा कि अगर आपके पास एक चार्ज क्यू टू है और आपने उसे इंफिनिटी पे रखा हुआ है, तो व्हाट विल बी द फोर्स फेल्ट बाय एफ टू ड्यू टू, यू नो, क्यू टू ड्यू टू क्यू वन। ये क्यू वन इस क्यू टू फोर्स नहीं फील होनी चाहिए, नहीं फील करेगा, क्यों नहीं फील करेगा? सो बिकॉज फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस एक्जेक्टली एंड डिस्टेंस इज तो 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। नाउ व्हेन वी वांट टू ब्रिंग इट हियर, सपोज कि अब मैं उसके उसको इंफिनिटी से हटा के किसी पॉइंट पे लेके आता हूं, सपोज आई एम प्लेसिंग इट नाउ हियर व्हिच इज एट सम डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस, व्हाटएवर मे बी 100 मीटर, 200 मीटर, 5 किलोमीटर, व्हाटएवर। तो अभी इसके ऊपर फोर्स लगेगा Q2 के ऊपर, यस सर। ओके, तो अभी आप देखिए अगर ये प्लस है और मैं इसे भी प्लस ले लूं, तो फोर्स किधर को लगा होना चाहिए? आउटवर्ड या इनवर्ड, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? Repulsive. And repulsive force will be outward. अब आप ये देखिए कि Q2 के ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है और वो इंफिनिटी से जैसे ही थोड़ा सा पहले यानी फाइनाइट पे आएगा, ये फोर्स वर्क करना शुरू कर देगा। अब आप इसे जैसे जैसे इधर को लेके आएंगे, आपको पता है कि ये चार्ज अपने से तो अंदर आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर किधर को फोर्स लग रहा है? बाहर को, आउटवर्ड। ओके, और आप इसे यहां से खींच के यहां, फिर यहां, फिर यहां, और मैं कह रहा हूं कि आप यहां पे रखो, तो जाहिर सी बात है कि आपको काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स है। अब अगर मैं आपको एक कंडीशन दे दूं कि Q2 मूव तो करे यानी चले किधर की तरफ, टुवर्ड्स Q1, बट उसके पास कोई एक्सेलरेशन ना हो। अब विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब होता है A is equal to zero, then F is equal to zero। अब आपको पता है एक राइट साइड में F होगा तो आपको एक लेफ्ट साइड में भी F लगाना पड़ेगा,
ताकि नेट ईएफ कितना हो जाए, यानी आप अगर इस चार्ज को इंफिनिटी से लेकर के इस पॉइंट तक लाना चाहते हैं तो आप एक वर्क करेंगे और ये वर्क इस वाले फोर्स के अगेंस्ट करेंगे। किस वाले फोर्स के? ये वाला जो बाहर की तरफ लगा है, क्योंकि उतना ही फोर्स आपको भी लगाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय अस, ये हम काम करेंगे, ठीक है। अब आप 11th क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि भाई जितना भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है उतना ही वर्क डन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे वर्क डन कर लिए, ये हमारा वर्क डन है, तो इतना ही इसे यहां तक ला करके जो सिस्टम बनाया जाएगा, क्योंकि ये रुके हुए होंगे इसलिए हम इसे कहेंगे इनके अंदर एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इसी वर्क डन बाय अस के इक्वल होगी। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक से, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और डेफिनेशन क्या देंगे? When we bring a charge from infinity to a point near other charge, without acceleration, comma, we have to do some work. This work done, this work done is called electrostatic potential energy of the two charge system. हमेशा जब दो charges आसपास होंगे तो आप उसे system बोलेंगे। जैसे डाइपोल एक सिस्टम था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो। अब आप देखिए, मैं फिगर एक बार फिर से समझा दूं। आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, आप उसको इंफिनिटी से उठा के क्या करते हैं, Q2 तक लाते हैं। जो मान लीजिए Q1 पॉइंट ए पे है एंड Q2 पॉइंट बी पे है, बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कैपिटल आर है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो वर्क डन बाय अस होगी। इसे प्रेजेंट किया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज प्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। एंड आपको पता है क्या होनी चाहिए इसकी यूनिट, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? बोलो बच्चा लो, जूल। जूल। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी? जूल हो। अब हमें इस टू चार्ज सिस्टम के लिए डेरिवेशन करना, और वो डेरिवेशन फार्मूले के फॉर्म में हम यूज किया करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं एक्सप्रेशन फॉर। सर एक बार ऊपर कर दीजिए, मैं नोट कर रहा हूँ। ओके, मैं वैसे भेज भी दूंगा ना ये। एक सर थोड़ा सा और। यस थैंक यू। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और किसकी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालने जा रहे हैं? टू चार्ज सिस्टम की। ऑफ अ सिस्टम मेड ऑफ टू पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले आपको तो फिगर बनाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास ये चार्ज Q1 है और दूसरे को तो आप अभी यहाँ पे रखेंगे नहीं, या रख भी सकते हैं। दूसरे पॉइंट को आप रखेंगे Q2। दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस की दूरी पे मान लीजिए। ये पॉइंट A मान लीजिए, ये पॉइंट B मान लीजिए। इसकी आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दो तीन चीजें हैं जिनको समझना हमें अति आवश्यक है। सबसे पहले कूलम के लॉ के हिसाब से अगर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। किधर को लगेगा? आई थिंक आप जानते हैं किधर को लगेगा भाई, बाहर की तरफ। और इस फोर्स की वैल्यू अगर मैं लिख दूं तो आप उसका अमाउंट बता देंगे। गौरी, इफ यू आर अनम्यूटेड यू कैन रिप्लाई। यस सर। सर वो आवाज थोड़ी ठीक से नहीं आ रही। नहीं आ रही तो आप बता दो ना बेटा, आवाज आ रही नहीं आ रही? आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताइए, ये चार सिस्टम दिखाई दे रहा है Q1 और Q2 वाला? यस सर। आपको ये भी दिख रहा है कि बाहर को Q2 एक फोर्स फील करेगा? हाँ, रिपल्सिव होगा तो बाहर की तरफ लगेगा। क्या आप इसका वैल्यू बता सकते हैं, वैल्यू का फॉर्मूला कूलम्स लॉ के हिसाब से? 1/4 और इसकी डायरेक्शन बाहर को है। आपको पता है ये बाहर वाला फोर्स इसको किधर लेके जाता, Q2 को बाहर की तरफ? बाहर वाला तब तक लेके जाता जब तक इसमें लाइक इफेक्ट खत्म नहीं हो जाता Q1 का। देखिए आप ये कह सकते हैं, आप कॉमन जो मैकेनिक्स पढ़े हैं 11th क्लास में, आपने यही पढ़ा है कि अगर वो फोर्स लगेगा उस पे तो वो मूव करेगा, ये ना। और वो उधर को मूव करेगा जिधर को फोर्स वर्क कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो आपका चार्ज है वो मूव करेगा इधर को, ठीक है। कितना दूर मैं मूव करता हुआ मान लूं, मान लीजिए कि ये मूव करता हुआ डी आर डिस्टेंस मूव करता है, ऐसा मान लेते हैं हम अपनी तरफ। तो फिर आपको पता है फोर्स लगा हो, डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तो वर्क डन होता है, पता है। अब चूंकि छोटा सा वर्क डन, क्या कहते हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए आप लिखेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन डिस्प्लेसिंग Q2 बाय dr। कितना दूर डिस्प्लेस करना है? dr। तो आपको पता है कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा तो छोटा सा वर्क डन मानेंगे,
इसलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर होगा, या आप सीधे सीधे इसको एफ इंटू डी आर भी लिख सकते, ठीक है ना। इसलिए डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू लिख लें, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब अगर ऐसे ऐसे करते 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 ये इसको कहां लेके चला जाता, इंफिनिटी पे, तो ये वाला फोर्स कितना वर्क डन करता, निकालें हम लोग इंटीग्रेशन से निकलता। सो द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन सेंडिंग क्यू टू फ्रॉम आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दिख रहा है ना भाई कहां से भेज रहा है वो, बी से। तो बी से इन्फिनिटी भेजने का मतलब क्या हो गया, आर से इन्फिनिटी भेजना। तो अभी जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम स्मॉल आर से लेकर के इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे ना। सबसे पहले तो आप इसको एफ डी आर लिखेंगे, एफ डी आर का मतलब होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम एफ की जगह पे हो जाएगा वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू टी आर। जहां पे समझ में नहीं आएगा पूछ जरूर लीजिएगा, ठीक है। इज इक्वल टू फ्रॉम आर टू इंफिनिटी। अब इसमें से जो कांस्टेंट चीजें हैं वो तो बाहर करेंगे हम, तो चलिए बाहर ही कर लेते हैं हम लोग। इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट ही है, Q1 Q2 भी एक बार जो बता दिया जाएगा वो फिर तो बदलेगा नहीं, बचेगा क्या R टू इन्फिनिटी वन बाई आर स्क्वायर डी आर। अब अगर आप वन बाई आर डी आर को देखें है ना, तो वन बाई आर स्क्वायर को जब आप देखेंगे वन बाई आर स्क्वायर को, तो आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, और कांस्टेंट्स जो है वो भी लिखने हैं हमें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा आर पावर माइनस टू डी आर। तो इलेवेंथ क्लास मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ा है, इसका होगा माइनस वन अपॉन आर, माइनस वन अपॉन आर। मैं लिख दू फॉर्मूला लिख दू ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, आर पावर एन डी आर का मैथमेटिक्स में जो फार्मूला होगा वो होगा एक पावर बढ़ जाएगी और जितनी भी बढ़ी हुई पावर आएगी उसका डिवीजन होगा, ये फार्मूला होता है। तो अब इसी फार्मूले का यहाँ पे आप एप्लीकेशन कर दीजिए और ये बन जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और जब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो जो लिमिट्स हैं इसको लोअर लिमिट कहते हैं, इसको अपर लिमिट कहते हैं, इसको हम इधर लगा देंगे और फिर ये बन जाएगा आर पावर एन की जगह पे कितना यूज है यहाँ पे माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। इसका मतलब ये हो गया क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये
ये सॉल्व होकर के आ जाएगा माइनस वन, जिसको हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा आर पावर माइनस वन फ्रॉम आर टू इंफिनिटी। और जब आप ये लेते हैं, क्या कहते हैं, सॉल्व करेंगे, तो ये बन जाएगा माइनस क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से वन बाई आर आर टू। सर हाँ बोलिए। नहीं। बाकी सारे लोग, इंटीग्रेशन है चूंकि, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ हाउ यू फील, हाउ डू यू फील इज विद दिस, क्या आप समझ रहे हैं कि हमने क्या क्या किया है यहाँ? यस सर। यस सर। आदित्य, दूसरा वाला आदित्य। यस सर। ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं लिमिट्स को। सबसे पहले अपर लिमिट यानी बड़ी वाली लिमिट रखी जाती है, तो जब आप बड़ी वाली लिमिट रखेंगे तो वो इन्फिनिटी है यहाँ पे, तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले बड़ी वाली लिमिट रखी जाएगी यानी आर की जगह पर इन्फिनिटी रखा जाएगा, फिर अपनी तरफ से माइनस लगाया जाएगा और फिर आर की जगह पर आर रखा जाएगा, और वन बाई इन्फिनिटी की वैल्यू अभी शुरुआत में ही मैंने बोली कितनी होती है, जीरो। इसलिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस, और फिर ये बन जाएगा क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी अगर ढंग से लिखें तो ये हो गया वर्क डन। किसने किया ये वर्क डन, जरा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, Q2। किसने किया है ये वर्क डन, बाई द इलेक्ट्रॉनिक फोर्स। क्यू टू तो चल रहा है बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने किया है। ठीक है, डेफिनेशन में हमने क्या लिखा हुआ देखिए जरा, We have to do some work. है? अगर आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो अपने वाले वर्क को कैलकुलेट करना है, ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को। और दूसरी चीज, आप कहां से कहां लेकर आएंगे उसे, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे जो नियर अदर चार्ज। अब यहाँ पे दो चीजें, पहली चीज तो ये है कि आप इन्फिनिटी से पॉइंट पे नहीं आए बल्कि आप कहां से कहां गए। गौरी आवाज सही नहीं आ रही बेटा। यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। कट के तो नहीं आ रही? वो बीच बीच में हो जा रहा है। बीच बीच में हो जा रहा है, क्या बात। जियो ही नेट पे हो या किसी और? वोडाफोन पे चल रहा है। वोडाफोन तो बेटा रद्दी है, एक जियो ले ले। मैं भी आइडिया उस दिन आइडिया पे चल रहा था और एकाएक सब लॉग आउट हो गया। आइडिया और वोडाफोन एक ही हो गए ना? पता नहीं। हाँ जियो का कहीं से पापा को बोल दो जियो दे दें। अपना पापा के पास जियो है ना? हाँ मम्मा पास जियो। हाँ जियो से चला। ठीक है चले। तो अभी आप समझ गए, दो बातें ध्यान देने लायक हैं। डेफिनेशन में वर्क डन बाय अस है और डेफिनेशन में उसे लाना इन्फिनिटी से पॉइंट तक है। हमने ये जो कैलकुलेट किया है ये दो तरीके से उल्टा है। एक तो ये है कि ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये मेरा नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये आर से इंफिनिटी है ना कि इंफिनिटी से आर। अब आप अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं, आपको किसी ने थप्पड़ मारा और 10 जूल का काम किया। एक 11th क्लास में हम लोग कहावत कहते थे कि अगर आप काम करते हैं तो वो, आपने किसी को थप्पड़ मारा वो आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन जिसके ऊपर काम हो गया वो तो निगेटिव है ना भाई। जिसको आपने थप्पड़ मार दिया
वो तो निगेटिव फील करेगा ना. तो इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट विल बी निगेटिव एंड इफ वर्क इज डन बाई द सिस्टम इट विल बी पॉजिटिव. ठीक है. तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा आर से इंफिनिटी तक जाने में किया गया काम है, तो फिर अगर आप वर्क डन बाई डूअर निकालते हैं, डूअर मतलब हम लोग जो हैं, और इंफिनिटी टू आर करते हैं, तो आपको इसका एक निगेटिव लेना पड़ेगा और इसका एक निगेटिव लेना पड़ेगा. और दो निगेटिव का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव. तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप लिखेंगे हेंस द वर्क डन बाय अस इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट नियर Q1 विल आल्सो बी सेम एंड दैट इज हाउ मच 1/4πε0 Q1 Q2/R. तो कोई हमें रीजनिंग नहीं देनी है यहाँ पे, बस हमें लिखना है कि चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो है ना, जैसे मान लीजिए कोई एक पुल हो उस पर चढ़ाई चढ़ रहे हो या कोई पहाड़ी हो चढ़ाई चढ़ रहे हो या साइकिल चलाते समय किसी चढ़ान पे आप चढ़ते हैं, बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है. और जब चढ़ जाते हैं वहां पे, इसके बाद क्या होता है भाई, पैडल छोड़ देते हैं, बड़े आराम से साइकिल नीचे चलती चली जाती है. इसका मतलब शुरुआत में आप काम करते हैं और बाद में वो काम आपको प्राप्त होता है या आप उसे, अब आपके ऊपर काम हो रहा है. पहले आप काम कर रहे थे, जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे थे देन यू वर डूइंग वर्क, है ना. सीढ़ियों से चढ़ते हुए जाएंगे तो कौन काम करेगा? आप काम करेंगे. लेकिन अगर कोई सीढ़ियों पे आपको लुढ़का देगा, धक्का दे देगा, और तब आप अगर रोल करके नीचे गिरेंगे तो काम किस पे होगा? आप पे काम होगा और वो काम निगेटिव होगा. क्लियर है? ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. जल्दी से बोलिए, वैलिडेट करिए, क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर. क्लियर है सर. ओके. किसी किसी बुक में इतना लंपट नहीं लेते हैं जितना मैंने लिया है. मैं आपको शॉर्टकट बताऊं, शॉर्टकट में ये कहा गया कि भाई अगर इतना ही फोर्स इधर लग रहा है तो इतना ही फोर्स इधर लगेगा, है ना भाई? ठीक है. तो मेरे द्वारा लगाया गया फोर्स पुराने वाले फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए कितना लिया जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2/R². ठीक है. ये किसका फोर्स हो गया? हमारा. तो फिर हमारे द्वारा किया हुआ काम कितना हो जाएगा? सीधे इंटीग्रेट कर दो. कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से लेकर के आर. अभी उल्टा आ जाइए और फिर ये रख दीजिए आप, फिर से वही रिजल्ट आ जाएगा. लेकिन मुझे लगता है कि हमें पूरा अच्छी तरह से समझना चाहिए. तो ये भी वही वाला रिजल्ट देगा जो हमने ये वाला रिजल्ट लिया. आप चाहिए आप एक असाइनमेंट रख लीजिए कि इसको हम सॉल्व करके देखें. तो क्लियर हो गया भाई? यही वाला वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी है, 1/4πε0 Q1 Q2/R. ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज सिस्टम. कूलम्स लॉ से कंपेयर करके बताओ डिफरेंस भाई. कूलम्स लॉ में क्या होता है? आर का स्क्वायर होता है. स्क्वायर. और यहाँ पर आर है. आप अगर डायमेंशन देखें ना, तो डायमेंशन को देख के भी समझ में आता है. वर्क डन में क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है. तो अगर आर को डिस्टेंस मानते हैं, तो जब आप फोर्स में डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आर अपने आप कैंसिल हो जाएगा. यस. ओके. तो ये समझ में आ गया. अब एक चीज आपको बताऊं, सम स्पेशल थिंग्स या स्पेशल नोट. स्पेशलिटी ये है कि यू एक स्केलर क्वांटिटी है. आप ये पहले से जानते हैं, 11th क्लास से जानते हैं कि इनर्जी कैसी क्वांटिटी है,
स्केलर क्वांटिटी, याद है ना पूरा वो कोलिजन वाला चैप्टर, मोमेंटम वेक्टर हुआ करता था और इनर्जी स्केलर हुआ करती, ठीक है। अब अगर स्केलर है तो ड्यूरिंग कैलकुलेशन या ड्यूरिंग यूज ऑफ द फॉर्मूला, ये जो आपने अभी अभी फॉर्मूला डिराइव किया, कौन सा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, टेक प्लस ऑब्लिक माइनस ऑफ Q1 और Q2 इनटू अकाउंट। आपको याद है पिछले चैप्टर में मैंने मना किया कि जब भी फार्मूला लगाएंगे कूलम्स का तो प्लस माइनस को छोड़ दीजिएगा, उसका उपयोग कहाँ कर लीजिएगा, डायरेक्शन को शो करने में। अभी मैं कंपल्सरली लिख रहा हूं कि जब भी आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो Q1 को उसकी साइन के साथ, Q2 को इसकी साइन के साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपका सिंपल एरिथमेटिक सम को फॉलो करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब जरा देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और इस क्वेश्चन को समझिए और मुझे बताइए कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे मैंने एक चार्ज Q1 रख दिया, दूसरा चार्ज Q2 रख दिया, तीसरा चार्ज Q3 रख दिया, सबकी डिस्टेंसेस को मैंने ए बता दिया, और मैं आपसे पूछूं, अभी ये एक सिस्टम है ना भाई, चार्जेस सिस्टम, कितने चार्जेस से मिलके बना है, थ्री, तो इसकी भी तो एक इनर्जी होनी चाहिए, पोटेंशियल इनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनर्जी। अगर दो लोगों का सिस्टम बना सकता है तो तीन का भी बनाएगा, चार का भी बनाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन में कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आप क्या करें, आप सबसे पहले किसी एक चार्ज को कंसीडर करें, किसी को, इस ट्रायंगल के ऊपर आप किसी को नहीं मानेंगे, आप बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करें। तो आप जब किसी को नहीं मान रहे हैं तब आपके सारे चार्जेस इंफिनिटी पे हैं, Q1 कहाँ होगा भाई, इंफिनिटी पे, Q2 कहाँ होगा, इंफिनिटी पे, Q3 कहाँ होगा, इंफिनिटी पे, और जब इंफिनिटी पे होंगे तो हमें कोई काम मिलने वाला नहीं, नो वर्क इज ऑब्टेंड बाय अस। लेकिन अब आप पहले को भेजिए, इन दोनों को एब्सेंट मानिए, पहले को भेजिए, इन्फिनिटी से लाने में जितना काम आप करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाए, है ना। तो अब आप सोचिए कि क्या अकेले Q1 को लाने में कोई काम करना पड़ेगा क्या, सोच के, दुनिया में कुछ भी नहीं, ये पूरी दुनिया बिल्कुल जैसे कोरोना में लॉकडाउन हो गया है ना, ऐसे पूरी दुनिया लॉकडाउन हो, कुछ भी ना हो यहाँ पे, सिर्फ अकेला Q1 अगर आई इंफिनिटी से, तो क्या वो कोई रोक टोक महसूस करेगा क्या? नो सर, नहीं करेगा। हाँ, तो इसका मतलब जब आप पहले चार्ज को लाते हैं तो आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। When Q1 is brought, no work is required. That means W1 is equal to zero. अब आते हैं, अब आ गया Q1 अपनी जगह पे, अब Q2 को लेके आते हैं। जब आप Q2 को लेके आओगे, ये रहा, ये जब आएगा तो फिर ये वाला इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, या अगर मान लीजिए माइनस होता तो अट्रैक्ट करता, यानी अब इंटरैक्शन होगा। तो व्हेन Q2 इज ब्रॉट, जब आप Q2 को लेके आते हो तब क्या होगा,
व्हेन Q2 इज ब्रॉट तब आपको एनर्जी मिलेगी और वो होगी W2 इज इक्वल टू इन दोनों के बीच की इंटरक्शन एनर्जी इसके और इसके बीच की और वो कितनी होगी 1/4πε0 एंड देन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए. ये हो गया इक्वेशन नंबर टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर. नाउ दूसरा भी ला दिया, अब आप किसको लाओगे भाई? Q3 को ला. जब आप Q3 को लाएंगे तो आप मुझे बताएंगे कितना इंटरैक्शन होगा, कितने लोगों से इंटरैक्शन होगा Q3 का? बोलिए. I'm listening. दोनों से होगा पर पूरा दोनों से पूरा नहीं होगा. क्यों नहीं पूरा होगा भाई? आपने Q3 लाना है और Q3 जब पास आने की कोशिश कर रहा है तो उसको Q1 भी दिख रहा है, उसको Q2 भी दिख रहा है. Q1 भी धक्का मारेगा या बुलाएगा, Q2 भी धक्का मारेगा या बुलाएगा, यही तो बात हुई ना. अब ये जो धक्का मारने या बुलाने से जो एनर्जी आएगी वो दोनों के कारण आएगी. इसका मतलब आपका जो W3 होगा वो होगा पहले और तीसरे के बीच का इंटरैक्शन Q1 Q3 डिवाइडेड बाई ए प्लस दूसरे और तीसरे के बीच का रिलेशन इंटरैक्शन. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर थ्री. इसलिए सिस्टम अब बन के तैयार है तो टोटल वर्क डन कितना होगा सबको जोड़ दें? W1 प्लस W2 प्लस W3 और फिर 0 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बाकी भी जोड़ दीजिए इसी में 1/4πε0 Q1 Q3 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 डिवाइडेड बाई ए. तो ये जो टोटल वर्क डन होता है वही तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है. इसलिए ये बन गया 1/4πε0 1/a. इट विल बी Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 1. ये हो गया आपका. इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं. ठीक है, पिछला साल जो 2020 का पेपर दिया है उसके पहले 2019 में एक ऐसा ही सवाल पूछा गया है. वहां पे एक रेक्टेंगल की प्रॉब्लम है. रेक्टेंगल के चार कोनों पे चार चार्जेस रखे गए हैं, उनमें से कुछ प्लस हैं और कुछ माइनस हैं. याद रखिए दूसरे चैप्टर में प्लस माइनस को कैलकुलेशन में लेते हैं. पहले चैप्टर में दो चीजें पढ़ी जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स. इन दोनों में ही हम दोनों के फॉर्मूले में क्यू के चार्जेस को नहीं लेते हैं. ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. यस सर. दूसरा आदित्य. यस सर. गौरी. यस सर. सही है, कोई दिक्कत नहीं? नो सर. बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब प्रॉब्लम क्वेश्चन में वहां बोर्ड के पेपर्स में आते हैं. आपको क्या करना है, ऐसा ही एक क्वेश्चन 11th के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में था, इफ यू रिमेम्बर. यस सर. स्क्वायर गिवन था और उसके स्क्वायर गिवन था. आज भी वही है और वहां पे भी ऐसे ही किया गया था. ठीक है, एक्चुअली जो लोग मैथमेटिक्स वाले हैं वो क्लियर कट जान रहे हैं कि अगर तीन चीजों को लेते हैं हम
और दो दो का इंटरेक्शन बनाए तो ये एक कॉम्बिनेशन होगा थ्री कॉम्बिनेशन टू, थ्री सी टू। किसके किसके पास मैच है? सबके पास? मेरे पास तो है। आपके पास है? थ्री सी टू का मतलब कितना? तो थ्री सी टू का मतलब कितना होगा? थ्री इंटू टू, तो कितने हो गए टोटल पार्ट्स? छह, है ना। टोटल कितने रिएक्शन होनी चाहिए? छह। एक तो यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले में कुछ नहीं आया है ना, दूसरे में एक वर्क डन हुआ और तीसरे में कितना हुआ? दो वर्क डन हुआ। तीनों को जोड़ो तो कितना होगा? दो प्लस एक तीन, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर स्क्वायर होता तो कितना हो जाता? 4c2, और 4c2 का मतलब 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। अब करके देख लेना वहां पर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के पढ़ने का फायदा क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एक तो ये है ना कि इंसान बड़ा प्रबल है, अपने आप को बड़ा अलमाइटी मानता है ना। और गाय बगाहे ये जो कोरोना जैसे लोग होते हैं वो उसकी औकात बता दे। तो इंसान को ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है उसके कारण जो वर्क डन होगा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनाएगी, बताएगी या बनाएगी। 11th क्लास के ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पूरा एक पेज इसी पे लिखा गया, इसी प्रवचन पे, कि भाई जो तुम कह रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि mgh का मतलब हुआ कि आपने अर्थ से कितना ऊपर कोई चीज उठा दी। आप देखिए, अगर ये यहां रखो तो नीचे कितना फोर्स लगेगा? mg। यह ऊंचाई उठा दिया तो कितना हो गया? mgh। यही वर्क डन है और यही क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो इंसान को ऐसा लगता है कि उसने जो काम कर दिया बस वही पोटेंशियल एनर्जी। पर आप अगर ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को पढ़ो तो आप वहां देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला है। यानी एक अर्थ जब आप लेते हैं और वो सन के चारों ओर है तो सन ने इसके सरफेस पे भी एक पोटेंशियल एनर्जी बना के रखी हुई। अब अगर आप यहाँ पे बॉल रख रहे हो तो उसपे भी एक पोटेंशियल एनर्जी है, तो बॉल की टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के सम के बराबर है। ये बात है। तो इंसान अपने आप को जब आता है ना साइंस में लेके, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम जो करते हैं वही सब कुछ है, सन ने जो अट्रैक्ट कर रखा है उससे कोई एनर्जी नहीं है। जबकि आपको पता है कि सन अर्थ को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा हमारे से, है ना। आप इस बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं? ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, एनर्जी तो हो ही गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वैसे हिंदी में पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एबिलिटी, मतलब काबिल, एबिलिटी, क्षमता, सामर्थ्य, है ना। और अगर आप साइंटिफिक हिंदी देखेंगे, जो वैज्ञानिक हिंदी भाषा है, उसमें इसको कहते हैं, एक शब्द होता है विभव, जो वैभव से बना होता है, मतलब किसके पास कितनी धन दौलत है ना। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का कितना धन दौलत
कितना असर, कितना प्रभाव कहाँ पे पड़ेगा, उस पॉइंट पे हम उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इसके निकालने के लिए आपको याद है ना कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ ऐसा ही था कि एक चार्ज दूसरी जगह पे कितना असर छोड़ेगा, तो उसको पता करने के लिए टेस्ट चार्ज लाते थे। तो आज भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सोर्स चार्ज लेंगे क्यू और फिर एक टेस्ट चार्ज लेंगे क्यू नॉट और इसको यहाँ पर आर डिस्टेंस पे रख देंगे ताकि मुझे पता चल सके कि पॉइंट पी पर पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन पे आते हैं। आपको पता है दो चार्ज जब आप रखते हैं तो एक वर्क डन करना पड़ता है हमें, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर इसकी टेस्ट चार्ज के साथ रेशियो ले लें तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो डेफिनेशन पे आते हैं, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इट इज the work done by us in bringing unit positive test charge from infinity to a point near another charge without acceleration. ठीक है, तो फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा। और आपको पहला वाला जो सिस्टम है आपको ऐसे लेना पड़ेगा। अब मैं दूसरे वाले तरीके से सॉल्व कर दूं। सबसे पहले आप एफ निकालेंगे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितना हो जाएगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 upon 4 pi epsilon naught and then q1 की जगह पे q हो गया, q2 की जगह पे q naught हो गया, divided by r square. So force by us कितना होगा, वो हो जाएगा minus 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. ठीक है, और हम इसके कारण, या आप देख लीजिए, ये हमारा वाला जो फोर्स होगा वो इधर को होगा ना, इस तरफ, और अभी इसको इधर लेके जा रहे हैं, इधर। तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वाई एस डॉट डी आर, और डी आर कहां से कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। तो अब आप रख लीजिए, आप ये एफ डॉट डी आर करेंगे, ये हो जाएगा आपका इंफिनिटी टू आर माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन क्यू वन देन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। So now you do it minus 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 और आपको पता है ये जो आता है वो आता है minus 1 by r आता है 1 by r square dr का
और यहाँ पे जो है वो है इन्फिनिटी से लेकर के आर तक है, तो ये माइनस सबसे पहले यहाँ आ जाएगा निकल के, प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2, और Q1 की जगह पे मैंने बोला है आपको Q लेना है, Q2 की जगह पे Q0, Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q0, 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 और ये जो बनेगा इसका माइनस निकल के तो बाहर आ गया, ये बनेगा 1/r फ्रॉम r टू इंफिनिटी, और जब आप इसे करेंगे तो ये होगा 1/4 pi epsilon naught Q0, सबसे पहले अपर लिमिट यानी 1/r माइनस लोअर लिमिट 1/∞, दिस विल बी 0 एंड इट विल बी 1/4 pi epsilon naught Q0 डिवाइडेड बाई r। ये तो W की वैल्यू होगी, तो V की वैल्यू क्या होगी, बाई द डेफिनेशन V इज इक्वल टू W अपॉन Q0, एंड दैट्स व्हाई दिस विल बी 1/4 pi epsilon naught Q डिवाइडेड बाई r। ये हो गया किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और ऐड करा दूं ताकि पूरी चीजें क्लियर हो जाए। U चूंकि स्केलर है इसलिए ये प्रेजेंट किससे होगा, V से, प्रेजेंटेड बाय V, और V इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन Q0, और चूंकि W एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क या एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए V भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, जिसे बाद में सर साइमन वोल्टा के नाम पे वोल्ट कहा जाने लगा, इसलिए आजकल इस नाम को ड्रिफ्ट करते करते पोटेंशियल को लोग वोल्टेज कहने लगे हैं। अब पोटेंशियल बहुत कम कहा जाता है, अब हम भी और आप भी अपने अपने घरों में, मैं पूछूं आपके घर में बिजली का वोल्टेज कितना है, कितना आता है आपके घर में बिजली का वोल्टेज? सर अगली बार चेक करके पक्का बताएंगे। 220 वोल्ट होता है पूरी इंडिया में, 220 वोल्ट बिल्कुल, और ये जो 220 वोल्ट है ना, ये वोल्टेज कहलाता है, पर असल में इसे क्या कहना चाहिए, पोटेंशियल कहना चाहिए। ये अलग बात है कि ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक है या नहीं है, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन ये है क्या, आपका पोटेंशियल, ठीक है, और पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है, इसी यूनिट के नाम पे। कभी कभार होता है ना कि जो सब्सिडरी चीज होती है, जो बाद की चीज होती है, उसके आधार पे पहले वाली चीज का नाम रख लिया जाता है, इतना पॉपुलराइज हो जाता है ना। जैसे कोई भी नूडल लेके आओ घर में बनता है, लोग कहते हैं मैगी बना है, तो नूडल और मैगी दोनों में वही रिलेशन है जो पोटेंशियल और वोल्ट का है, ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइए। तो वर्क डन की है जो डायरेक्शन के लिए बताए थे, बस फिर से बता दीजिए। ये वाला जो यहाँ पे है, देखिए मैंने इसीलिए पहला वाला जो डेरिवेशन किया ना, वो डेरिवेशन मैंने कराया दूसरे वाले कंसेप्ट से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को जानबूझ के मैंने दूसरे कंसेप्ट से कराया, ये ज्यादा आसान लगेगा आपको। आप देखिए, आप कहते हैं कि मेरे पास F इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है ना, जो किधर को है, राइट साइड को, यही तो बोल रहे थे आप, तो जो हमारे द्वारा फोर्स लगेगा वो किधर को लगेगा, लेफ्ट को, इसलिए हम यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, माइनस। अब मैं वही राइट साइड में डी आर डिस्प्लेस करूं तो मेरे द्वारा कितना काम होगा, एफ डॉट डी आर। अब मैं एफ डॉट डी आर को क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर दे रहा हूं,
ठीक है, मैंने उसकी वैल्यूज रख दी। अब जो मेरा आर है या डी आर है वो चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, वो इंफिनिटी से लेके आना है कहां तक, पॉइंट तक। तो मैंने इसीलिए लिमिट्स भी क्या रखी, इंफिनिटी से आर रखी। पिछली बार मैंने आर से इंफिनिटी रखी, पहले मैंने भेजा था और बाद में मैंने कहा था मैं लेके आया। अभी मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना कोर्स निकालूंगा और मैं वहां से लाऊंगा, बस इतनी सी बात बोल रहा हूँ। और फिर इसके बाद तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। yes, तो अभी मैं अगर वही वाला सवाल दोहराऊं, कौन सा, ये वाला, ठीक है, इसको अगर मैं दोहराऊं इस क्वेश्चन को कि भाई आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीन चार्जेस के कारण यहां पर पोटेंशियल कितना होगा सेंटर, तो ये एक तरीके का थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन हुआ।